स्पाइडरमैन गिरफ्तार हो गया। पहले तो ये तस्वीर देखिए जरा, ये भारतीय स्पाइडरमैन है, स्टंट कर रहा था कार पर, आप देख रहे हैं बोनट पर सवार है, बोनट पर सवार होकर रील बना रहा था। रील बनाने का शौकीन हर तरह से, कभी कार पर बैठा है, कभी कोई करतब कर रहा है, कभी कोई, बहुत दिन से सोशल मीडिया पर वायरल था। पुलिस की नजर बस अब पहुंची थोड़ी देर से। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इधर कार के बोनट पर है स्पाइडरमैन साहब, और इधर पुलिस के शिकंजे में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तस्वीर है, स्पाइडरमैन को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं 21,000 रुपए का चालान हुआ है इनका, 21,500। एक तस्वीर आप देख रहे हैं बाइक पर सवार है स्पाइडरमैन, और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जब स्पाइडरमैन को, एक तो हेलमेट नहीं था, तो 21,500 रुपए का चालान कटा है। अब दिखाता हूं मैं आपको कि स्पाइडरमैन को ये कैसे ख्वाब आया कि उन्हें स्पाइडरमैन बन जाना चाहिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में आजकल लोगों पर वायरल होने का बुखार चढ़ा हुआ है, इसके लिए लोग कोई भी स्टंट करने को तैयार है। सोशल मीडिया की इसी दीवानगी में ये स्पाइडरमैन बन गए, बोनट पर बैठ गए। स्पाइडरमैन की तरह उसने दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी के भी बहुत से वीडियो बनाए। इसके बाद वायरल होने की उम्मीद से इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वायरल होते होते ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी से नंबर से लड़के का पूरा बायोडाटा निकाला। जांच में पता चला कि स्पाइडरमैन की पोशाक पहने लड़के का नाम है आदित्य, और 20 साल का आदित्य दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। कार चलाने वाले की भी पहचान कर ली गई है, और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के इस स्पाइडरमैन का 26,000 का चालान काटा है। फिलहाल दिल्ली के इस लड़के को स्पाइडरमैन स्टंट ने 26,000 का चूना जरूर लगा दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आगरा से आई है। एक स्पाइडरमैन देख लिया आपने, एक ताजमहल देखने जा रहा था, हथकड़ी हाथ में, हथकड़ी और दिल में ताज। तस्वीर देखिए, ताजमहल के दीदार करने दूर दूर से लोग आते हैं, दुनिया का सातवां अजूबा है, लेकिन जेल से कैदी चला जाए ये अपने आप में अजूबा है। अगली तस्वीर देखिए, ये कैदी पुलिस वाला ले जा रहा था ताजमहल घुमाने के लिए, देख रहे हैं पुलिस वाला ले जा रहा है। ये वो जगह है जब ताजमहल के अंदर दाखिल होते हैं, टिकट लेते हैं, और उसके बाद आगे की जगह है, देख रहे हैं। हाथ में हथकड़ी भी आपको नजर आ रही होगी कैदी के, पुलिस वाला ताजमहल दिखाने ले जा रहा था, ऐसे घुमा सकते हो आप, लेकिन सवाल पूछा गया, अंदर जाने नहीं दिया गया, तो देखिए कैसे भाग खड़ा हुआ वापस। आइए पूरी कहानी दिखाता हूं मैं आपको कि आखिर कैसे ताजमहल की सैर होने जा रही थी। ताजमहल की खूबसूरती की दुनिया में चर्चा रहती है, हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। सात अजूबों में एक और प्रेम के प्रतीक ताजमहल को निहारने की हर किसी की हसरत होती है। ऐसी हसरत को पूरा करने के लिए मंगलवार को एक कैदी ताजमहल पहुंच गया। इस कैदी के हाथों में पुलिस की हथकड़ी और जंजीर बंधी हुई थी। कैदी के साथ में दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ताजमहल के सीन को जब पर्यटकों ने देखा तो वहां भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस वाले कैदी के साथ आम पर्यटकों की तरह ताजमहल के गेट पर पहुंच गए, एंट्री नहीं कर पाए। गेट पर उन्हें आगरा विकास प्राधिकरण और एएसआई के कर्मचारियों ने रोक लिया। एएसआई कर्मचारियों ने पूछा इनसे कि कैदी को कहां ले जा रहे हो। इस पर पुलिस वाले ने बताया, हिमाचल से पेशी पर आए, कैदी ताजमहल देखना चाहता था इसलिए आए हैं, कहिए तो टिकट भी खरीद लेंगे। हालांकि कर्मचारियों ने कहा, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। सोचिए ऐसा कहां होता है कि पेशी पर आए और कैदी को ताजमहल घुमा रहे, और बिना ताजमहल देखे कैदी की मुराद पूरी नहीं हुई और वापस लौटा दिया गया। अब कैदी और पुलिस वाले ताजमहल तो देख नहीं पाए, लेकिन आसपास का दीदार करके वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान भी वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें घेर लिया और वीडियो बनाने लगे, जिस पर पुलिस वालों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन पर्यटकों ने वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है अब इस मामले में एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। एक और खबर आई है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कैसे एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उसके बाद उसे बचाया गया है। तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये ऊपर नजर आ रही लड़की जो आत्महत्या करने वाली थी, और उसके बाद ऊपर से एक शख्स कूदा है जिसने उसे, ये देखिए कूदा शख्स, और इसने इसे बचाया है। लड़की कूदने वाली थी नीचे, उसी वक्त ये देख रहे हैं उसे रोक रहे हैं लड़की को, जिससे वो नीचे ना कूदे।
पहले ऊपर से ही एक शख्स कूद गया। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने आत्महत्या करने जा रही एक लड़की की जान बचाई। ये लड़की बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी से कूदकर जान देने पर आमादा थी। कहा यह जा रहा है कि लड़की को माता पिता ने दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, इसी से हताश निराश होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। आत्महत्या करने के लिए वो चौथी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गई और फिर वहां से कूद जाने की धमकी देने लगी। स्थानीय लोगों ने उससे कई बार अपील की लेकिन वो मानी नहीं। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू को लेकर प्लान बनाया। सोसाइटी के लोग नेट पकड़कर खड़े हो गए तब तक कि जिससे कि अगर लड़की कूदती है तो फिर उसे बचाया जा सके। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए पांचवीं मंजिल पर पहुंच गई। फिल्मी स्टाइल में फायर ब्रिगेड कर्मचारी मंजिल से चौथी मंजिल की बालकनी में कूदा और इसी चौथी मंजिल पर खड़ी महिला आत्महत्या की धमकी दे रही थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने धक्का देकर महिला को बालकनी के अंदर ढकेल दिया और कुछ इस तरह से लड़की की जान बचाई जा सकी। फिलहाल अब इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस जांच कर रही है।